छिंदवाड़ा में एक शराबी ने क्वारंटीन सेंटर के बाहर जमकर हंगामा किया और पुलिस वालों के समझाने पर शराबी ने उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया। परासिया में क्वारंटीन सेंटर के बाहर एक शराबी ने नशे की हालत में जमकर हंगामा किया और जब महिला आरक्षक ने उसे समझाने का प्रयास किया तो उसने महिला आरक्षक के साथ अभद्रता की। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराबी को गिरफ्तार कर लिया और जब उसे मोटरसाइकिल से थाने ले जा रहे थे तभी उसने कूदकर भागने का प्रयास किया जिसकी वजह से मोटरसाइकिल गिर गई और पुलिस वालों को चोटें आईं, जिसके बाद पुलिस वालों को एक निजी अस्पताल में ले जाकर इलाज कराया गया। समय की घटना है, न्यूटन में जहां पर कुछ महिलाओं को क्वारंटीन किया गया है वहां के छात्रावास में, वहां दोपहर में एक व्यक्ति जो कि शराब के नशे में था वहां जाके मास्क नहीं लगाया था, गाली गलौज करने लगा, बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था। वहाँ हमारे ड्यूटी पे जो कर्मचारी हैं उन्होंने चौकी में फ़ोन किया, फोर्स को बुलवाया, वो फोर्स को देखकर भागने लगा, फोर्स ने उसको पकड़ा और पकड़ के लेकर चौकी आ रहे थे क्योंकि वो नशे में था, उसका मेडिकल कराना था। जब वो लेकर आ रहे थे तो रास्ते में उसने मोटरसाइकिल से कूदने भागने का प्रयास किया, इस कारण मोटरसाइकिल अनबैलेंस हो गई, तो वो दोनों हमारे आरक्षक और साथ में वो जिसको लेकर आ रहे थे तीनों मोटरसाइकिल से गिर गए। फिर उसको पुनः पकड़ के लेकर आए, उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद लॉकडाउन के उल्लंघन की घटना के संबंध में उसके ऊपर प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।